मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात भारतीय अर्थव्यवस्था की और भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने दिख रही चुनौतियों की। आरबीआई अपनी रिपोर्ट के साथ सामने आ चुका है, जिसमें आरबीआई के ये कह रहा है, स्पष्ट संदेश दे रहा है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जोखिम की संभावना आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती दिख सकती है। अलग अलग वजह बताई जा रही है और उन वजहों में एक वजह ये भी कि सही समय पर हम अपनी सही नीतियों को सामने नहीं ला पाए। इन सब के बीच रुपयों को लेकर भी अलग अलग तरीके की खबर है। डॉलर की किस तरीके की स्थिति है, शेयर बाजार में किस तरीके के हालात हैं और सोना किस तरीके से धड़ाम से नीचे गिरता दिख रहा है। सरकार के पास नीतियों के स्तर पर अब क्या कुछ विकल्प बचते हैं, क्या वास्तव में चिंता की स्थिति है जो आने वाले दिनों में और ज्यादा गंभीर स्थिति में बनती दिख रही है, या कुछ राहत की खबरें भी आ सकती है, यही समझने की कोशिश करेंगे आज लोकमंच में। कब बनेगा? अब भी ये कहा जा रहा है कि गैस की कीमतों को लेकर जो इजाफा किया गया है, उसके बाद देश में निवेश का माहौल बेहतर होगा, लेकिन उसके नतीजे कब आएंगे, ये बड़ा सवाल अब भी है। इसके अलावा भी और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, यही सब कुछ समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तीन बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ हैं डॉक्टर डी के श्रीवास्तव, आप जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वित्त आयोग के 12वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राम उपेंद्र दास, आप भी अर्थशास्त्र को, आर्थिक नीतियों को करीब से समझते हैं, आरआईएस से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ होंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोहर मनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्रीवास्तव, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, अपने दर्शकों के लिए, ये जो आरबीआई की तरफ से तमाम बातें कल कही गई हैं, क्या कुछ मायने आपको नजर आते हैं उनके? आरबीआई ने सबसे पहले तो बात ये कही है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट पहले अभी तक हम लोग समझ रहे थे 5% है जीडीपी की, वो उससे थोड़ा कम है, लगभग 4.8% है। ये राहत की खबर है? ये थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल रन अवे की तरीके से ऊपर उठती जा रही है जी, लेकिन उसमें बहुत गिरावट होगी इसकी उम्मीद नहीं है। ऐसा लगता है कि 13-14 में लगभग 4.5% रहेगी, जो कि हिस्टोरिकली जो हम लोग की करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत, जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती थी तो 3% तक जाती थी। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 6% के आसपास कहीं हमारा चालू खाता का जो घाटा है वो ना पहुंच जाए, उस लिहाज से आप इन आंकड़ों को किस तरीके से देखते हैं? उस लिहाज से तो ये खबर जो है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि उतना रन अवे करंट अकाउंट डेफिसिट होने उम्मीद नहीं है जी। और उसका कारण ये है कि जो आयात में भी थोड़ी कमी हुई है, हालांकि रुपए के डिप्रिसिएशन के कारण उस कमी का उतना असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो विश्व में मंदी छाई हुई है खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज में जी, तो उसको देखते हुए इमर्जिंग इकोनॉमीज के रेट जैसे ब्राज़ील है, चाइना है, मेक्सिको है, इन सब में जो समृद्धि की दरें हैं वो कम हुई हैं ऐतिहासिक रूप से, और उसके कारण हम लोग का अपना जो निर्यात है वह भी कम हुआ है। तो आयात और निर्यात दोनों कम हो रहे हैं, उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा कम होगा, लेकिन जो इम्बैलेंस है वो काफ़ी बना रहेगा। ठीक बात, लेकिन अगर चालू खाते का जो घाटा है वो अपेक्षाकृत कम होता है, तो डॉक्टर दास मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ उसके मायने हो सकते हैं एक आम भारतीय के लिए, आम उपभोक्ता के लिए? देखिए, सबसे अच्छी बात जो इसमें है कि क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है चालू खाते के संदर्भ में, करंट अकाउंट डेफिसिट 3.6% जीडीपी का है, क्वार्टर वन का नहीं, ये लास्ट ईयर का जनवरी टू मार्च का डेटा है, क्वार्टर फोर का है। तो वो क्या दर्शाता है, वो बताता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स क्वार्टर फोर में जो है इंक्रीज हुए हैं और इंपोर्ट्स कम हुए हैं। इंपोर्ट्स कम इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट जिस लेवल पे पहले थी उससे कम हुई है, इसका मतलब ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ रेट कम हुई है, उसकी वजह से आपका ये घाटा कम हुआ है। एक जो अच्छी चीज उसमें दिख रही है कि जो रिसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है दूसरे देशों
में जो क्राइसिस से परेशान थे उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स में भी कुछ इजाफा हुआ है। तो मैं इन तमाम नेगेटिव माहौल में भी ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ट्रेंड्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। लेकिन जैसा कि प्रश्न आपने पूछा कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है, तो आम आदमी के लिए इसके लिए यही है कि चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्वार्टर फोर में कम हुआ और ओवरऑल भी पूरे वित्तीय वर्ष में कम हुआ है, तो इसका प्रेशर जो होता है रुपी पे वो भी थोड़ा सा ईज आउट होगा। और आपने देखा होगा कि पिछले एक ही दो दिनों में जिस तरह से 60 के ऊपर रुपया पहुंच गया था उससे बेहतरी हुई है, एप्रिसिएशन हुआ है रुपी में। और इसका सीधा संबंध आपके इन्फ्लेशन जो होने की संभावना बढ़ रही थी उस पर है। तो आम आदमी के लिए मैं ये समझता हूँ कि एकदम हम खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन के ऊपर जो एक प्रेशर हो सकता था करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से और रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से, उसमें कुछ राहत दिखती नजर आ रही है। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या आपको भी लगता है, और अगर मैं इसको सीधे अर्थों में आपसे समझने की कोशिश करूं, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि महंगाई बढ़ने की जो उम्मीद जताई जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी, उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है? डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरीके से कमजोर हो रहा था उसमें मजबूती देखने को मिल सकती है? देखिए, महंगाई को एक तो जो उसका ओवरऑल रेट है वो है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। और महंगाई ओवरऑल तो थोड़ा कम हो रही है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें कमी की अभी गुंजाइश उतनी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आम आदमी को थोड़ा तो ये देखना पड़ेगा कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसका उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। लेकिन अगर सारी अर्थव्यवस्था के जितने सिग्नल्स हैं उनको इकट्ठा करके देखा जाए, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस समय समस्या है उसको दो हिस्से में देखना पड़ेगा। एक तो ये कि जो इमीडिएट या शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट्स हैं वो कैसे हैं, और दूसरे जो लॉन्ग टर्म या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो कैसी हैं। तो शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट्स में अभी तक तो काफ़ी नेगेटिव सिग्नल आ रहे थे, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव खबर आई है। जैसे सोने का दाम कम हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट जितनी उम्मीद थी उससे कम हुआ, हालांकि अभी भी बहुत है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसमें अंततः ये देखना पड़ेगा कि हम लोग की इन्वेस्टमेंट की साइकिल रिवाइव हुई कि नहीं, उसके इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी की क्या उम्मीदें हैं जी, और इन चीज़ों में अभी समय लगेगा। ठीक बात, आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन मनोज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कुछ मायने आप निकालते हैं चालू खाते के घाटे के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं, जो विदेश से कर्ज लेने वाली कंपनियाँ हैं उनको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, निर्यात के क्षेत्र में कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आप इसको किस तरीके से विश्लेषित करेंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म जो संकट बना हुआ है पिछले 4-5 सालों से, जो अर्थव्यवस्था की तेजी का, इन्फ्लेशन का और फिर क्रमशः विकास दर के घटने का, इसमें जो शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम आए या जो मार्केट के जो उतार चढ़ाव, जो वोलेटाइल सिचुएशन देखने को मिल रहा है, इस आलोक में जो आपकी इस चर्चा है इसके लिए आज का दिन मैं कहूँगा कि बड़ा शुभ दिन है इकोनॉमी के लिहाज से। कल जो RBI की जो रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के जो आंकड़े दिए हैं, तो वो साल 2013 जो कैलेंडर ईयर है ना, कि फाइनेंशियल ईयर, उसके पहले क्वार्टर में जो है वो 3.6% जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है दर्ज किया गया है, जो ठीक उसके पिछले क्वार्टर में आपका सीधे दोगुना था, 6.7% था। और साल के हिसाब से देखें तो 2011-12 में 4.2% रहा CAD डेफिसिट, 2012-13 में 4.8% रहा। अगर इस मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अगर यह डेफिसिट घटा करके 4% किया जाता है, हालांकि उसके पक्ष में कुछ माहौल है, सोने का जो दाम गिरा है और जो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, और जिस तरीके से तमाम देशों का जो है पी चिदम्बरम यात्रा कर रहे हैं कि फॉरेन इनफ्लो बढ़ाया जाए जी, और फेडरल रिजर्व के गवर्नर के जो बयान के बाद से जो रुपया धड़ाम गिरा था, शेयर बाजार जिस तरीके से गिरे थे, अब उसमें थोड़ी सी सुधार आई है और आज 59 रुपये के बराबर $1 की कीमत आई है, और शेयर बाजार लगातार जो है आज 500 अंकों की और कुछ दिन पहले 300 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज किया है। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़े सुलझ जाए, लेकिन इन लॉन्गर रन आपको करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए कंसिस्टेंटली भारत सरकार को विल पावर दिखाना होगा, डोमेस्टिक फ्रंट पर इन्फ्लेशन रेट और आपका ये बजट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट रेट
और एक्सटर्नल फ्रंट पे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, अगर इस दोनों को आप कंट्रोल करते हैं तो आप बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे और इंटरनल और एक्सटर्नल पोजिशन में इकोनॉमी जो है कम्फर्टेबल पोजिशन को पाएगी और फिर आपकी समस्या ग्रोथ रेट की रहेगी और उस ग्रोथ रेट को लेकर के जो है फिर लॉन्ग टर्म में सरकार प्लान बना सकती है। ठीक, मुझे लगता है कि पी चिदम्बरम, आप भले उसके राजनीतिक विरोधी तमाम उनमें खामियां निकालें, मुझे लगता है कि बड़े ही एबल और एफिशिएंट मिनिस्टर हैं। आज उनके विदेशी एक बहुत बड़ी संस्था के चेयरमैन ने उनकी तारीफ की कि वह इकोनॉमी को रिवाइव करने का मादा रखते हैं और इस दिशा में दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग ब्लॉक्स में वो यात्राएं करके जो है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर सरकार अगर ये फूड सब्सिडी और इन जैसे अगर नकारात्मक कदमों पर अगर थोड़ी देर में अगर थोड़ी अगर नकेल कसती है या इन्हें पोस्टपोन करती है तो मुझे लगता है इकोनॉमिक स्थिति रिगेन हो सकती है। सर, वोट की राजनीति सबसे पहले है, आप नकारात्मक नहीं कह सकते, लेकिन सबके बीच डॉक्टर दास मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस जो आप कह रहे हैं कि स्थिति अब थोड़ी बेहतर हो रही है अपेक्षाकृत, क्या इस तरीके की स्थिति आने वाले दिनों में भी आपको दिखती है? क्या मानकर चलें कि रुपया इसी तरीके से मजबूत होता रहेगा, सोने की कीमतें और लगातार नीचे आती रहेंगी, महंगाई पर भी राहत मिलेगी, क्या इस तरीके की स्थिति आने वाले दिनों में दिखती है आपको या ये कुछ समय के लिए है? नहीं, मुझे दिखती है और इसके कारण दोनों हैं, आंतरिक और बाह्य। जी देखिए, हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है, अगर आप जो साइज देखिए हमारी इकोनॉमी की, उस साइज पर, इस ग्रोथ रेट पर जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है इंडिया आज की डेट में, वो अट्रैक्टिव बना रहेगा। ये जस्ट कुछ ही महीनों में ये सारा परसेप्शन बदल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी दूसरी चीज ये कि अगर यूएस ने अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग की जो पॉलिसी है वहां पर रोक लगाने के लिए जो किया, इसीलिए डॉलर वापस इमर्जिंग इकोनॉमी से गया यूएसए में, वो फिर वापस आने की संभावना है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जितनी आसानी से वो बाहर जाता है उतनी आसानी से आ भी तो सकता है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका का फेड रिजर्व जो फैसले लेता है और उसके बाद जो कुछ असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर या बाजार पर दिखता है, वो स्थिति दोबारा बदल सकती है? इसलिए बदल सकती है क्योंकि हमारे यहाँ के मैक्रो फंडामेंटल्स अभी भी बहुत ही पुख्ता है। अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो वर्ल्ड आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुकी है, रिटेल प्राइसेस नीचे गई है और अब ये माहौल जो बना है इससे इन्फ्लेशन पे और ज्यादा कंफर्टिंग असर पड़ेगा मेरे समझ से। और चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने पहले भी आपने घोषणा में देखा होगा कि उन्होंने घटाया नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ रेट ऑफ रिटर्न के भी हिसाब से फॉरेन कैपिटल के लिए अट्रैक्टिवनेस बनी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में ये ऐसा माहौल बनता आपको दिखेगा कि जो मेजर्स भारत सरकार ले रही है उससे जो है इन्वेस्टर्स जो है ये सोचेंगे कि उनको रेट ऑफ रिटर्न इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में ज्यादा मिलेगा। प्लस आपने देखा होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत भी इंक्लूडिंग मल्टी ब्रांड रिटेल बहुत सारे प्रयास इधर किए जा रहे हैं, जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो हमारे इकोनॉमी में और बढ़े। तो मुझे लगता है कि इन सारे उपायों को अगर आप एक साथ लें और प्लस ये देखें कि यूएसए और जापान और बहुत सारे कंट्रीज में, स्पेशली एशियन कंट्रीज में जो प्रोफाइल उनका ग्रोथ प्रोफाइल है जो इम्प्रूव कर रहा है, उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को एडिशनल मार्केट एक्सेस इन जगहों पे मिलने की और संभावना है, जैसे कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स ने दिखाया भी है। तो इससे भी डॉलर अर्निंग एक्सपोर्टर्स को जो है जरूर उसमें इजाफा होगा। इन सारे चीजों का आप एक साथ अगर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव ट्रेड डेफिसिट पे, करंट अकाउंट डेफिसिट पे और ओवरऑल एक्सचेंज रेट पर। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या सर आपको भी यही लगता है जो बात यहाँ पर डॉक्टर दास कह रहे हैं, इनके मुताबिक अगर माने तो स्थिति सुधरने वाली है, तस्वीर बेहतर होने वाली है, भले अमेरिका के स्तर पर कोई भी फैसला लिया जाए उसके बाद कम से कम चिंता जाहिर की जा रही थी, लेकिन जो आकलन डॉक्टर दास का है उससे ऐसा लगता है कि स्थिति दोबारा बेहतर हो सकती है भारत के लिहाज से, क्या आपको भी ऐसी उम्मीद है सर? देखिए, ये उचित होगा कि हम लोग देखें कि कहाँ अर्थव्यवस्था को होना चाहिए दीर्घकालिक या स्ट्रक्चरल दृष्टि से या हमारे पोटेंशियल की दृष्टि से और कहाँ हम हैं। जी अगर आप समृद्धि दर ग्रोथ रेट को देखिए तो हम लोग का पोटेंशियल जो है वो 8-9% का है, हमने हिस्टोरिकली अचीव भी किया है, लेकिन आज की तारीख में वो 5% है और 5-8% का जो रास्ता है वो अभी तक कठिन है।
कठिन रास्ता। इन्फ्लेशन कहाँ होना चाहिए, ये इसका जो टारगेट रेट है वो 4-5% का समझा जाता है। हम लोग का इन्फ्लेशन रेट अभी भी जो है वो 5% से ऊपर है और उसमें भी स्ट्रक्चरल खामियां हैं जी। करंट अकाउंट डेफिसिट का जो सस्टेनेबल रेट है वो 2.5% के आसपास समझा जाता है। उम्मीद है कि 4-4.5% तक आएगा। तो जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं और जो हमारा पोटेंशियल है उसमें और जहाँ पर हम हैं आज उसमें बहुत अंतर है। और ये रास्ता क्या ये अंतर कम हो सकता है सर, क्या मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में क्या ये अंतर कम हो सकता है कि या फिर अब यही सब मानक व्यवहारिक बन गए हैं कि आप 4.5 पर भी आ जाएं तो ही अपेक्षाकृत बेहतर होगा, आप अगर महंगाई की रफ्तार को थोड़ा कम कर लें तो भी बेहतर होगा मौजूदा आर्थिक स्थिति में, या जो आप आदर्श मानक बता रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की अभी भी उम्मीद की जा सकती है? देखिए इसके लिए जो है हम लोग को बहुत कुछ जो हम लोग की आंतरिक आर्थिक शक्ति है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको देखना होगा, और बाहर से जो बाहर के डेवलपमेंट है, ग्लोबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट्स हैं उनसे हम लोग को अपने को थोड़ा इम्यून करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक इकॉनमी में हिस्टोरिकली जो है हम लोग एक डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहे हैं, इसमें हम लोग की सेविंग रेट का पोटेंशियल 35-40% तक हो सकता है जी। तो बहुत नीतिगत परिवर्तन ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम डोमेस्टिक इकॉनमी के पोटेंशियल को एक्सप्लॉयट कर सकें और ग्लोबल इकॉनमी की वॉलेटिलिटी से अपने को इम्यून बना सकें। ठीक है, और उस स्थिति में जो है हम लोग वहाँ पहुँच सकेंगे जहाँ हमको होना चाहिए। बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है और जानकार इस पर क्या राय रखते हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। और जिस निवेश के लिए माहौल बनने की बात अब की जा रही है, खुद विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि गैस की कीमतों को लेकर जो फैसला लिया गया है जाहिर है उसके बाद इस देश में निवेश को लेकर तस्वीर और बेहतर होगी। निवेश एक बड़ा मंत्र है जिसको लेकर बहुत सारी बातें की जाती रही है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई उसकी एक केवल झलक भर है जिसके बाद राजनीतिक सहयोग अगर भूल चले भी जाए तो भी परवाह नहीं है, क्योंकि ढांचागत विकास के लिए भी आपको 1,00,000 करोड़ के निवेश की जरूरत है। ऐसे में क्या वास्तव में वो हालात बनते दिखते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। और इसी पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। की खुशहाली का मूल मंत्र परिवार नियोजन जो अपनाया है हमने। सच में हमने बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रखा जिससे बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छी परवरिश भी मिली। इससे तुम्हारी सेहत भी तो अच्छी रही। सुखी परिवार का परिवार नियोजन, अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। शाम देखो फिर आ रहा है, नया टीवी मांगेगा, मैं निकलता हूँ तो टाल दियो। जरा रुकिए। हाँ बोलिए। ये देखिए कंज्यूमर कोर्ट का फैसला। ये कागज किसी और को दिखाना, इससे कुछ नहीं होगा। आप जरूर होगा, अदालत का आदेश ना मानने पर तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हो सकता है। तो क्या? तो तुम्हें 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। समझे? समझ गया। जागो ग्राहक जागो। थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, छठवां महीना चल रहा है ना। अरे बाबूजी, आराम करूंगी तो काम कैसे खत्म होगा? तू आराम कर, मैं कर दूंगी। अरे मैं कर दूंगी। मैं भी कर दूंगा। गर्भ के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ दिन में कम से कम 2 घंटे जरूर आराम करे और रात में कम से कम 8 घंटे सोए। साथ ही घर में एक खुशी का माहौल बनाए रखें। और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 4, 5, 6, 5 अरे वाह, दिमाग तो हवाई जहाज है। हवाई जहाज नहीं, रॉकेट। हाँ हाँ, रॉकेट। रॉकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले, मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार नहीं होगी, खुले में
में शौच करेगी उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। ये तो बड़ी दूर की सोची आपने। तू भी सोच, घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। शुरू कर निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। 500 लोग आ रहे हैं शादी में, तो हम लोग 700 लोग का खाना बनवाएंगे। लड़की की कुंडली में दोष दिख रहा है। कैसा दोष पंडित जी? अन्न का दोष। क्या मतलब? लड़की की शादी में अन्न की बर्बादी होगी जिससे अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। एक उपाय है, बारातियों के खाने का इंतजाम जरूरत के हिसाब से करें, फिर भी भोजन बच जाए तो गरीबों में बांट दें। धरती पर उगे अन्न पर सबका अधिकार है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। जागरूक रहा, जागरूक। आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आरबीआई की तरफ से जो जो बातें कही गई हैं, क्या कुछ उनके मायने हैं, क्या कुछ असर उनका दिख सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और ये जो कहा गया है कि नीतियाँ समय पर नहीं बन पाएं, इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिन नीतियों की जरूरत है आर्थिक लिहाज से, क्या वो नीतियाँ अब आने वाले दिनों में दिख सकेंगी। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा आज लोकमंच में। इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस निवेश के माहौल को बनाने की बात बहुत लंबे समय से की जा रही है, ताज़ा आर्थिक परिदृश्य में क्या वो माहौल बनता दिखता है। डॉक्टर डी के श्रीवास्तव सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि निवेश के लिए माहौल बन पाएगा, क्योंकि गैस की कीमतों को लेकर जो फैसला किया गया है उसके बाद केंद्र सरकार के मंत्री भी उम्मीद जता रहे हैं कि शायद निवेश दिखेगा। क्या आपको भी ऐसा भरोसा है? ये तो एक सेक्टर में हो सकता है और उस सेक्टर में भी जो निवेश संबंधी निर्णय होंगे उनको लेने में समय लगेगा, लेकिन माहौल उसके लिए पॉजिटिव ज़रूर है। लेकिन अगर निवेश को ज़्यादा जनरल टर्म्स में समझा जाए तो निवेश तभी ज़्यादा बढ़ सकेगा जबकि इंटरेस्ट रेट कम हो, और इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बैलेंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सोर्स है इन्वेस्टमेंट के फंड्स के लिए वो या तो डोमेस्टिक है और या तो बाहर से निवेश आए। तो बाहर से निवेश आए उसमें जब तक नीतियों के संबंध में बाहरी निवेशकों के बहुत पॉजिटिव व्यूज़ नहीं होंगे भारत के बारे में जी, तब तक जो है वो उसकी कोई बाढ़ आ जाएगी ऐसा नहीं लगता सर। लेकिन जैसा मनोज जी बता रहे थे, देश के जो वित्त मंत्री हैं वो बार बार अलग अलग देश के दौरे पर जा रहे हैं, वहाँ लोगों को समझा रहे हैं कि आप आइए भारत में निवेश कीजिए, बहुत अच्छा माहौल है। प्रधानमंत्री अलग अलग दौरों पर जा रहे हैं, बाकी अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री भी कई विदेशी दौरे कर चुके हैं, क्या उसका असर पड़ता आपको दिखता है? देखिए, जो निवेशक है वो हमेशा अपना लॉन्ग टर्म रेट ऑफ रिटर्न देखता है, और उसको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मान लीजिए कि दौरों से मिले जो वो उसको इवैल्यूएट करता है, उसकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका असेसमेंट है आदमी का, इन सब को देखकर निवेश का निर्णय जो है हमेशा दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। तो उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर कम है, जब ये साइकिल रिवाइव होगी, ये समझिए कि एक विशेष साइकिल को वर्चुअल साइकिल में बदलने की बात है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी इसको देखने के लिए हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट के इम्बैलेंस को देखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं और साथ में सेविंग न बढ़े तो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम करने का माहौल नहीं बनेगा। तो हमें डोमेस्टिक सेविंग को बढ़ाना है, जो कि 2008-09 में आपको ज्ञात होगा कि लगभग 37% तक पहुँच गई थी, और वो घट करके 29-30% तक हो गई है। तो इस हालत में इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात है वो सस्टेनेबल नहीं है। सर, आप अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि जो घरेलू निवेश है उसको बढ़ाना होगा, उसके बाद कुछ तस्वीर बेहतर हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है क्या वजह है जिसके चलते घरेलू निवेश नहीं बढ़ पा रहा है? नीतियों के स्तर पर कमी है या यहाँ पर भी माहौल का संकट है? नहीं, इसमें तो नीतियों के स्तर पर काफ़ी कमी है, और इस कमी का सेविंग रेट के कम होने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि गवर्नमेंट की अपनी डिससेविंग काफ़ी बढ़ गई 2008-09 की तुलना में, क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट काफ़ी बढ़ गई उसकी तुलना में, और इसका असर लगभग 4% अंकों का, 4 percentage points का जी गवर्नमेंट का अपना डिससेविंग, और इसका कारण है फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना और रेवेन्यू डेफिसिट का बढ़ना।
और दूसरी बात यह है कि हम लोग का जो नेशनल स्मॉल सेविंग का स्कीम था इसके पहले, उसमें भी 4% अंकों की गिरावट आई है। एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा था नेशनल स्मॉल सेविंग्स, और उसमें छोटे छोटे निवेशक जो है वो अपने निवेश को लगाते थे, और उसमें काफ़ी बड़े एजेंट्स का एक पूरा सर्किट रहता था जो कि इसको प्रोत्साहित करते थे। वो समझिए कि सब का सब खत्म हो गया जी, और उसके कारण इन्वेस्टमेंट जो स्मॉल सेवर का था वो तो रियल इस्टेट में चला गया, या चीट फंड्स में चला गया, या सोने को खरीदने में लग गया। तो इस तरह से जो है वो सब डाइवर्ट हो अलग अलग विकल्प की ओर। तो ये दो बड़े सीधे कारण हैं जो कि स्मॉल जो कि ओवरऑल सेविंग रेट को जिसने कम कर दिया। अब स्ट्रक्चरली इसको सुधारना होगा, जब तक ये सुधरेगा नहीं तब तक हम अपने पीक या पोटेंशियल सेविंग रेट पर जा नहीं सकेंगे। ठीक बात। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर दास, मैं आपसे भी जिस समझना चाहूँगा, निवेश के लिए माहौल ये ऐसा विषय है जिस पर चर्चा लगातार पिछले कुछ सालों से होती रही है। कुछ फैसले सरकार के स्तर पर लिए हैं, राजनीतिक उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। क्या आपको अब लगता है वास्तव में निवेश के लिए माहौल बन पाया है तब, जबकि ये भी आरोप लगता है कि अब जो भारतीय निवेशक हैं वो भी भारत में निवेश करना नहीं चाह रहे, वो भी जाकर विदेश में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई विदेशी निवेशक आकर भारत में पैसा लगाए? देखिए, इसमें तीन चार चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। पहला तो ये, जैसे कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बहुत सही कहा कि जो सेविंग्स के ऑप्शंस डोमेस्टिकली जो पहले हुआ करते थे, स्पेशली हाउस होल्ड सेविंग्स, उसके इंस्ट्रूमेंट्स पहले के कंपैरिजन में कम हो गए थे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार को उस पर तवज्जो देना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेट और सेविंग रेट का जो गैप है उसी को हम विदेशी निवेश से पूरा कर देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि तीन स्रोत हो गए इन्वेस्टमेंट के। एक तो सेविंग्स जो होती है उसको बैंकिंग और नॉन बैंकिंग चैनल से आप उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना री इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने अर्निंग की भी, और तीसरा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम अपने यहाँ में। देखिए, इन्वेस्टमेंट रेट अभी भी कोई बहुत कम नहीं है भारत में, 32% है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो। और ये पॉइंट पहले भी चर्चा में आया हुआ है कि दिक्कत क्या हो रही है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के जो शुरू हुए वो पूरे नहीं हुए। तो इन्वेस्टमेंट हुआ है लेकिन उसका जो आउटपुट के साथ लिंक होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इनफैक्ट आज ही डॉक्टर रंगराजन ने भी ये बात इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू में कही। दूसरा पॉइंट उसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत जगह पे हुआ है, इसीलिए 32% जीडीपी के हुए है भी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ चुका है हमारे इकोनॉमी में। तो ये दूसरा पहलू है जहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे निवेशक बाहर जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि भारत में निवेश करना अट्रैक्टिव नहीं है, ये उनके लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट स्पेस है जो कि भारत सरकार की खुददार नीति, जो बाहर इन्वेस्टमेंट आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसके तहत वो उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो अब चूंकि अब हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी नीतियों को इस तरह से ओपन किया है कि बाहर का निवेश भारत में आ सके, ताकि सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप जो है। क्या वास्तव में ऐसा ही है सर जो आप कह रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर उस तरीके का माहौल नहीं है, विश्वास का संकट है, पारदर्शिता की कमी है, भ्रष्टाचार है, परियोजनाओं का लंबित होना आम बात बन चुकी है, इसके चलते फिर निवेशकों को लगता है कि भाई यहाँ क्यों निवेश किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे भारतीय निवेशकों के पास निवेश करने की मुद्रा है, और हमारी नीति जो है बाहर निवेश करने की खोल दी गई है। और इसके साथ ही जो हम, क्योंकि देखिए आप एक तरह की नीति केवल नहीं रख सकते कि बाहर का निवेश तो हमारे यहाँ आए लेकिन हम किसी दूसरे को जरूरत हो तो हम वहाँ निवेश ना करें। तो ये हमारा एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होता है, उसका भी एक पैराडाइम है जिसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत बहुत सारा निवेश भारत करता है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन
मिशन के तहत और उसमें प्राइवेट सेक्टर निवेश भी होता है, तो इसलिए इन नीतियों का एक बड़ा मिला जुला स्वरूप हमें इंटीग्रेटेड वे में देखना होगा कि निवेश भीतर आता है, निवेश यहाँ से बाहर जाता है, और जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर खराब है। और अभी अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ दिनों से अगर थोड़ा सा कम हो गया है अपेक्षाकृत पहले, तो इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। लेकिन अगर कम हो रहा है तो उसकी वजह तो तलाशनी होगी। केवल आंतरिक वजह नहीं है, बाह्य वजह भी है। प्लस इंडिया ही केवल एक ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना है, बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमी है। चाइना को आप भली भांति जानते हैं, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे निवेशक जाते हैं। तो वो एक कंपैरेटिव स्ट्रेटजी के तहत देखते हैं कि ठीक है इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में इंडिया जो है बेस्ट डेस्टिनेशन है। किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि वियतनाम जो है ज़्यादा अच्छा डेस्टिनेशन हो। तो ये तो एक स्वाभाविक निवेशक का निर्णय होता है जिसमें कि वो अलग अलग डेस्टिनेशन में, अलग अलग सेक्टर पे, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका बिहेवियर बिल्कुल। मनोज जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जो बात डॉक्टर दास कह रहे हैं, या आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से भी जो बातें कही जाती हैं वो सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है, कुछ सच उनमें भी है? निवेश अगर प्रभावित हो रहा है, पटरी से उतर रहा है, और जो तर्क दिए जा रहे हैं या कहें जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ दम उनमें भी है? देखिए, निवेश का माहौल ठीक है, अभी थोड़ा सा डाउनफॉल में है। पिछले दो दशकों में निवेश का माहौल जो है लगातार एक तरह से प्रोग्रेसिव रेट से बढ़ता रहा, क्योंकि नया माहौल था, नई पॉलिसी रिजीम थी, एक तरह से सारी ओपनिंग हुई थी। लेकिन निवेश का भी एक सैटुरेशन पॉइंट होता है, आप इसको अनंत काल तक और लगातार जो है, चाहे वो घरेलू निवेशक हों या बाह्य निवेशक हों। लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि पिछले साल दो साल में जो माहौल एक तरह से गिरा है निवेश का जी, उसमें हमें बॉटलनेक की तलाश करनी होगी, अवरोधों की तलाश करनी होगी। खास करके अगर बाहरी निवेश है तो हमें ये देखना होगा कि जो हॉट मनी शेयर बाजार में आ रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था हमारी इकोनॉमी को, तो FDI ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब रिटेल में FDI को खोला गया, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन उस पर काफ़ी राजनीतिक विवाद हुए। आपने निवेश की बात की तो कल ही वाणिज्य मंत्री ने निर्णय लिया कि छोटे शहरों में भी जो है अब रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट किया जाएगा, जो FDI रिटेल चेन है, और लोकल कोऑपरेटिव्स को जो है उनको माल सप्लाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो चलिए, ये एक सेक्टर है, तो इसके बॉटलनेक को हमें देखना पड़ेगा। रह गई डोमेस्टिक निवेशक की बात, तो ये बात जरूर है कि जो हमारा जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो है डोमेस्टिक मॉनेटरी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और पिछले 3 साल से RBI दूध का गला छाट फूक फूक कर पीता है, वह एक बैंक रेट घटाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन की बड़ी लंबी मार जो है अपनी इकोनॉमी को झेलनी पड़ेगी। तो वो एक सबसे बड़ा एलिमेंट है कि सस्ता जब कर्ज मिलेगा तो निवेश बढ़ेगा जी। लेकिन इन दोनों बातों से इतर कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर कि बहुत बड़ा सेविंग जो है आइडल मनी के रूप में पड़ा हुआ है। जैसे भारत सरकार के PSUs जो हैं उनका करीब 1.5 से लेकर 3 लाख करोड़ माना जा रहा है कि आइडल है। इसी तरीके से जो कॉरपोरेट सेक्टर है वह मार्केट में जो है निवेश करने को तैयार नहीं है, और आप जानते हैं कि निवेश के सामने अभी कई सारे अवरोध खड़े हैं, जिसमें कि आपका वो लैंड जो लैंड परचेज करने वाला अधिग्रहण वाला जो एक्ट है, लैंड एक्विजिशन के अलावा आपकी बिजली की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कानून हैं। तो इन तीनों चारों पाँचों फैक्टर मिला करके जो है स्थिति को बड़े पेशेंस तरीके से निपटाने की बात है, और मुझे लगता है जो घरेलू स्तर पर इन्फ्लेशन और बाह्य स्तर पर जो ये प्रॉब्लम आया है उसमें उसके पीछे विदेशी कर्जे का भी बहुत हाथ है, क्योंकि पिछले साल जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो उन्हें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को जो है उदार बनाया था। तो आप इस साल जो फॉरेन डेट में जो 12% की बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह यह है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट जो है बहुत ज़्यादा लिया गया, और चाहे वो ECB जो है उसकी मांग ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि बाहर से पैसा मंगाना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से सस्ता होता है यहाँ के निवेशकों के लिए, और इंडियन जो तमाम मल्टीनेशनल हैं उन्होंने विदेशों में बहुत ज़्यादा निवेश उन्होंने किया है, जिसमें कि रिलायंस, वीडियोकॉन जैसी कंपनियाँ हैं, या उनकी पब्लिक सेक्टर ONGC जैसी कंपनियाँ हैं। तो इन सब बातों का असर पड़ा है, लेकिन इन सबके इतर ये जरूर कहना चाहूँगा जो श्रीवास्तव जी ने कहा कि हमें डोमेस्टिक सेक्टर को मजबूत करना होगा, और इस डोमेस्टिक सेक्टर की जब बात आती है तो मेरा ध्यान एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इन दो पर जाता है, और जब एक्सपोर्ट रिलेटेड अपनी इकोनॉमी को बनाना है अगर चाइना की तरफ, तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा फोकस लाना होगा, और एग्रीकल्चर की एक
एकमात्र एक सूत्री पॉलिसी होनी चाहिए कि खेती को लाभकारी पेशा बनाइए और उसमें फूड सब्सिडी एक्ट जैसे आकर के ये डुअलिटी पैदा करेंगे और पूरे इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। चलिए आपने बात की लेट एक्विजिशन की, आप बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी विधेयक की। इस तरीके के और भी कुछ विधेयक हैं, इस तरीके की बहुत सी कुछ योजना है जो अभी भी लंबित पड़ी हुई है, ठंडे बस्ते में है, उनके वजूद में आने के बाद उनका क्या कुछ असर दिखेगा ये भी समझना होगा और सरकार के पास विकल्प क्या बचते हैं, जानकारों के मुताबिक सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है, नीतिगत जनता की जो बात की जाती है क्या उसका असर अभी देखने को मिल रहा है या नहीं, इस तरीके के कुछ बुनियादी सवाल हैं, इनके जवाब को समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। बहू फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो, एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में, इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तार का आना एक तरह का भय पैदा करता है, तार देखकर ही लोग डर जाते हैं। तार जब आता था तो वो बिल्कुल साइलेंस में आता था, बिल्कुल चुप्पी के बीच अचानक से खबर आती थी। अब खबर टुकड़े टुकड़े में आती है, कहीं कुछ अता पता नहीं और अचानक से पता चला फलाने फुफाजी नहीं रहे। इस सेवा को चालू रखने में BSNL जो कंपनी है उसको प्रतिवर्ष जो है 135 करोड़ का करीब नुकसान हो रहा था, इसलिए BSNL बोर्ड में और मैनेजमेंट में ये निर्णय लिया कि अब इस सेवा को बंद कर दिया है। देखिए खत्म होती तार सेवा सुर्खियों से परे में, शुक्रवार रात 8 बजे और रविवार शाम 5:30 बजे। उत्तराखंड में आई अकल्पनीय विपदा से टूट चुके हैं हम। इस पीड़ा के भागियों को बल दे ईश्वर। हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं आपके साथ। जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की, क्या कुछ सरकार को कदम उठाने चाहिए, सरकार के पास नीति निर्माताओं के पास आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ विकल्प बचते हैं, क्या कुछ कमियां रही हैं अब तक, जिन मुद्दों पर आलोचना होनी चाहिए और आने वाले दिनों में किस तरीके की तस्वीर हम देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। डॉक्टर
श्रीवास्तव आपसे सर मैं समझना चाहूंगा, अपने दर्शकों के लिए नीतिगत जड़ता की बात लगातार होती रही है, कुछ समय पहले मनोहर मनोज जी कुछ विधेयकों का जिक्र कर रहे थे, क्या आपको लगता है वास्तव में ये एक बड़ा मुद्दा रहा पॉलिसी पैरालिसिस जिसका आरोप लगता रहा सरकार पर, उसका असर अब तक दिख रहा है? RBI ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि आप समय पर सही नीतियां नहीं बना पाए, उनको लागू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये हालात आपको देखने पड़ रहे हैं। हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पॉलिसी पैरालिसिस जो है वो पिछले 2 या 3 साल से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी नेगेटिव जोन में ले जा रही है। और अगर देखा जाए तो इस समय जितनी सेविंग है उसको भी देखते हुए दो विकल्प या दो नीतिगत स्टेप्स जो है वो सरकार उठा सकती है। जी, आपको ध्यान होगा कि हमेशा जब ग्रोथ रेट कम होती है तो या तो हम लोग मॉनिटरी स्टिमुलस की बात करते हैं या फिस्कल स्टिमुलस की बात करते हैं, और इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करने में हमेशा हम लोग पहले गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने की कोशिश करते थे। और पिछले दिनों में इन्वेस्टमेंट के गिरावट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेशियो है टोटल एक्सपेंडिचर्स या GDP से वो घट गया है। और गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेफिशिएंट हैं और हमेशा पब्लिक सेक्टर उस में पहल लेनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। और ये देखने में आया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सरप्लस मनी है, जब उनका बजट ईयर पूरा होता है तो बहुत सारा पैसा ऐसा है जो कि सरप्लस मनी है, जो कि उनको से बैलेंस के रूप में उपलब्ध है, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, उस कमी को पूरा नहीं कर रहे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए PPP का मंत्र सुनाया जाता है, उसके लिए PPP का मंत्र सुनाया जाता है। और इसकी संभावना भी मुझे इसलिए कम दिखाई पड़ रही है कि इमीडिएटली ये सुधरेगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस समय बढ़ जाता है जबकि हम लोग इलेक्शन के पास होते हैं। ठीक है, तो सब्सिडीज का प्रेशर बढ़ जाएगा और गिव अवेज का प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसके कारण ये जो एक नीतिगत रास्ता था फिस्कल स्टिमुलस खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा करके, उसकी संभावना अभी थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। डॉक्टर दास, आपसे भी समझना चाहूँगा सर, मैं जिस नीतिगत जड़ता का आरोप सरकार पर लगता रहा, क्या आपको भी लगता है कि उसमें कुछ दम है? अगर हालात बिगड़े हैं तो उसके पीछे वो एक बड़ी वजह है, साथ ही साथ वो विधेयक जिनका जिक्र मनोहर मनोज जी भी कर रहे थे, अगर वो विधेयक कानून की शक्ल में आ जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो उसका असर किसी भी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था के बेहतरी के लिहाज से आपको पड़ता दिखता है क्या? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिसी पैरालिसिस की जो बात होती है, बिल्कुल बहुत सारे डिसीजंस नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग एक कोलिशन पॉलिटिक्स के ज़माने में रह रहे हैं, प्लस हमारे यहाँ हमेशा से ऑपोजिशन जो है, जो भी पार्टी हो, वो अपने आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उसकी एक पहुँच होती है, उसकी आवाज़ होती है। तो एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि लोकतांत्रिक ढांचे में ढली हुई हो, और वहां पर ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कोलिशन पॉलिटिक्स के जो दांव पेच होते हैं, उसमें अगर कुछ नीतिगत निर्णय जो लेने चाहिए थे समय पर नहीं ले पाए, तो उसको सिर्फ एक ही बार में ये कह देना कि पॉलिसी पैरालिसिस है, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूँ। ठीक है, और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, और हर चीज सापेक्ष होती है, अभी इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो जो इस बार का बजट था, आप उनको बिल्कुल भी पॉपुलिस्ट बजट नहीं कह सकते हैं, जबकि एक साल के बाद इलेक्शन होने वाला है, वो हो सकता था। और दूसरी चीज, उसके बाद बहुत सारे निर्णय सरकार ने लिए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, जो FDI वगैरह की भी बात अभी सर, लेकिन देर हो गई, काफी देर हुई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक तो लोकतंत्र है, अर्थव्यवस्था में स्टेक्स बहुत बड़े बड़े हैं, हम लोग अब एक्सटर्नलाइज भी कर चुके हैं, तो बहुत सारे फोर्सेज अब काम करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए मैं जो एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये कि ओवर द इयर्स, स्पेशली 1991 से अगर आप देखें, तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, और सब अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने उन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया ही है हमेशा, और इसमें एक जो माहौल पैदा हुआ है वो कौन सा माहौल है? ये माहौल है लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और मार्केटाइजेशन का। इसमें मार्केट फोर्सेस ज़्यादा अब हैं, प्राइवेट सेक्टर्स का रोल बहुत बढ़ चुका है पहले की अपेक्षा, इसीलिए मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अभी किसी तरह से प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर को इसमें अपनी लीडरशिप दिखानी चाहिए जहाँ तक निवेश का सवाल है। लेकिन वो नहीं दिखती। विजन 2020 रेलवे का अगर हम बात करें तो ये कहा गया था कि 2020 तक 14 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाया जाएगा, रेलवे की तस्वीर बेहतर कर दी जाएगी, जो काम पिछले 60 साल में नहीं हुआ वो अगले 8 साल में हो जाएगा। 2013 में हम चर्चा कर रहे हैं, निवेश अब तक नहीं जुट चुका है, 14 लाख करोड़ रुपए की जो बात की जा रही थी। 1 लाख करोड़ ढांचागत विकास के लिए चाहिए, इस बात की चर्चा तो जरूर होती है, लेकिन जो हालात है वो आपको भी पता। निजी निवेशक तो चार बार सोचेगा कि जहाँ अस्थिरता हो, पारदर्शिता की कमी हो, भ्रष्टाचार और घोटालों की लगातार खबरें हो, ऐसे में वो कैसे निवेश करे। लेकिन आप इसमें आप मैं अक्सर कहता हूँ कि पॉलिटिक्स और प्रॉफिट्स को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक बात, ये हमारे देश की एक नीति और शायद हर देश में ये ऐसा होता है कि आप देखें कि कितने रेल मंत्री बदलेंगे और तमाम तरह के की व्यवस्था थी, वहां से हमने एक उदारवादी नीति को अपनाना शुरू किया। उसमें समय लगा, लेकिन हमारा ट्रेड, हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिजीम, हमारे तमाम जो इंटरेक्शंस हैं ग्लोबल लेवल पे, वो धीरे धीरे ओपन हुए और उसकी वजह से आप देखिए हमारे यहाँ का फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी में सर्विसेज में आईटी, आप देखिए कि कितना इजाफा हुआ है, या एक पर कैपिटा इनकम पिछले 10-12 वर्षों अगर आप 2000 का डेकेड देख लें तो पर कैपिटा इनकम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की डबल हो गई जी। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जीडीपी का जो वॉल्यूम है आप देखिए कि कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि एक बहुत हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर हम गए। इसका मतलब कि जो नीतियाँ ली गई उसका इफेक्ट हुआ। अब पिछले कुछ वर्षों में कुछ नए मुद्दे उभर करके आए हैं कि मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि अगर सिम्टम्स किसी प्रॉब्लम के उभर करके आते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आने चाहिए, गलत चीज़ें ऊपर आनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो ऊपर आ रहे हैं तो अब मुझे लगता है कि जिस तरह से एक माहौल पूरे देश में बन रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को देखेंगी कि जब तक वो इस सिस्टमिक इशू को एड्रेस नहीं करती है, जैसे करप्शन की बात हुई और लोग प्राइवेट सेक्टर उसको जुड़ नहीं रहे हैं करप्शन की वजह से, तो वो अब अगला स्टेप है जिसमें कि उनको इस पर तवज्जो देना पड़ेगा। लेकिन ये तो तभी दिया जाएगा ना जबकि ये मुद्दे उभर करके आएंगे। अब ये मुद्दा लग रहा है कि वही लाइफ एंड डेथ वाला प्रॉब्लम हो गया है और इसको जो है जब तक इसकी सफाई नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ेगा। तब तक इंतजार करते रहे थे हमारे जो तमाम लोग हैं फैसले लेने वाले। लेकिन इन सबके बीच मनोज जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, क्या किस तरीके की स्थिति अब आप देखते हैं, खासतौर से उपभोक्ता के लिहाज से, आम भारतीय के लिहाज से, इन तमाम आर्थिक तस्वीरों के बीच में आप जो एक मध्यम वर्ग का, एक गरीब वर्ग का जो ये है उसको कहाँ खड़ा पाते हैं? अभी जो खबर आ रही है वो ये उसके मुताबिक पेट्रोल के दाम में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, डीजल को लेकर भी तमाम तरीके की घोषणाएं की जाती रही हैं, गैस की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो उसका असर किस पर पड़ेगा ये भी समझना होगा, लेकिन इन सब के बीच आम भारतीय का क्या? देखिए 1991 के बाद से, नई आर्थिक नीति के आगमन के बाद से, अगर आप पूरे सेक्टर का अगर सिलसिलेवार विश्लेषण करें तो मुझे लगता है इसकी जो सबसे जो इसकी जो खासियत थी, जो सबसे इसका जो जिस्ट जो बेटर पॉइंट था वो था पॉलिसी ऑफ कंपटीशन। पॉलिसी ऑफ कंपटीशन ने जो है कंज्यूमर को काफ़ी फायदा देने का काम किया है, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ा है, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा। और अलग अलग आप सेक्टर बात करें इंडस्ट्रीज की, जैसे कि आप टेलीकॉम लें, पब्लिक प्राइवेट का एक बहुत बढ़िया मॉडल बनकर उभरा। आप जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लें, सबके दाम लगातार कम हुए, उनका इंडस्ट्रियल बेस बढ़ा, कंज्यूमर को फायदा हुआ।
लेकिन इन सब के बीच जब अभी आपने पॉलिसी परलिसिस की बात की, तो उस पॉलिसी परलिसिस के जरिए आप किसी एक गवर्नमेंट और एक रिजिम की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि 1991 में कांग्रेस ने जो है ना ये आपत्ति की शुरुआत की और उस फंडामेंटल से एनडीए ने ज़्यादा बेहतर काम किया। फिर उसके बाद जब यूपीए का रिजिम आया, कांग्रेस पार्टी का वो गठबंधन, तो उस पर पहली बार तो काफ़ी तेजी वाली और काफ़ी हाई ग्रोथ इकोनॉमी के रूप में काम हुआ, लेकिन बाद में जब आपने इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं, जिसमें फिस्कल डेफिसिट भी आता है, जिसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी आता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी आता है, जब उसको आपने पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, तब मैं ये कहूँगा कि ये पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है। क्योंकि अपने पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को अगर आप एक लाइन में कहेंगे तो हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं है, यह एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, चाहे वो कम्युनिज्म के रूप में हो, कास्टिज्म के रूप में हो, या एक फैमिली फ्यूड के रूप में हो, या रीजन या लैंग्वेज के रूप में हो। और जो हमारी इकोनॉमी वो एक पॉपुलिस्ट इकोनॉमी के रूप में है, जिसमें हम कभी भी फंडामेंटल्स को ध्यान दिए बिना वोट कैचिंग जो है वो फैसले लेते हैं जो सब्सिडी आधारित होता है। और सब्सिडी को लेकर के क्या है कि लोगों में ये आम धारणा है कि जनता को राहत दी जाती है, दरअसल वो आंखों पर धूल झोंका जाता है। आप एक हाथ से उसे पैसे करों के रूप में लेते हैं और दूसरे हाथ से सब्सिडी दे देते हैं, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी मारी जाती है। तो सब्सिडी रहित पॉलिसी, टैक्स में आप कंसेशन दें और नेट गेन जो असली में जो फायदा हो रहा है, देखिए यूपीए की जो यूपीए कभी नहीं कहता है जिस आप समस्याओं की ओर इशारा करते हैं कि हम जो है इस देश में आर्थिक विकास और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं, वो कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में तमाम जो वो सोशल स्कीम है जिसका कोई रिटर्न नहीं होता, जिसकी कोई ऑडिट नहीं होती और उससे पब्लिक इवैल्यूएशन नहीं होता, तो वह एक तरह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम लाता है, इन्वेस्टमेंट की भी प्रॉब्लम लाता है। आप देखिए नरेगा जैसी योजनाओं पर जिसका कोई रिटर्न नहीं है, आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर वो पैसे खर्च करते तो रोजगार भी मिलता, रूरल इकोनॉमी भी रिवाइव करती, वहाँ से रिटर्न भी आता। माफ कीजिए, आपको रोकना होगा, अपने अपने तर्क हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात की जाती है, हो सकता है कुछ लोग आपको गैर समाजवादी ठहराते हैं, घोषित करते हैं, लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर श्रीवास्तव में आपसे आखिर में समझना चाहूँगा, आने वाले दिनों में किस तरीके की तस्वीर आप देखते हैं और क्या कुछ कदम कार उठा सकती है आपके हिसाब से? देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी के फैक्टर्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और अर्थव्यवस्था में गिरावट की शुरुआत हुई पिछले इलेक्शन के बाद से। जी 2009 में जब फार्मर के को बहुत बड़ा वेवर दिया गया लोन्स, और उसके बाद फिस्कल डेफिसिट जो है हिस्टोरिकली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की 6.8% तक हो गई, उसके बाद से जो गिरावट आई है उस पर हम लोग संभल नहीं पाए, क्योंकि उसके साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस भी शुरू हो गई। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार के सामने जो विकल्प हैं वो सब डिसिप्लिन के हैं, और फिस्कल डिसिप्लिन में वो फिस्कल स्पेस क्रिएट करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करें, तब जा करके कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट शुरू होगा। और उसके लिए जो माहौल बनता है वो एक अगले साल इलेक्शन आने वाला है तो उस समय इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। चलिए आप कह रहे हैं कि जो माहौल बनता दिखना चाहिए उसकी संभावना आपको कम दिखती है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर राजनीति को जरूरत से ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक आप लोकतंत्र की खूबसूरती कह सकते हैं, हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी मौजूदा तस्वीर कह सकते हैं कि अक्सर अर्थव्यवस्था पर राजनीति भी हावी होती दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय और अनुभव साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बात जरूर दिख रही है इस चर्चा के दौरान कि आने वाले दिनों में हालात इस तरीके के हैं कि स्थिति शायद ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन फिर भी सरकार को एहतियातन बहुत सारे कदम उठाने अभी बाकी हैं। ये समझना होगा कि उनकी प्राथमिकता में कौन है, किस तरीके की चुनौतियां हैं और उनसे किस तरीके से निपटना है। देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या कुछ फैसले और होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।